हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। नीट का रिजल्ट अब नज़दीक आने वाला है। जिनके भी मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, जिन्होंने कैलकुलेट कर लिए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम। और अब वो लोग सर्च कर रहे हैं कि किस कॉलेज में जाना चाहिए, किस कॉलेज का कट ऑफ कितना होता है, क्या उनका एडमिशन उनके डिजायर्ड कॉलेज में हो पाएगा कि नहीं। तो आज मैं कट ऑफ के बारे में बताने वाली हूँ। सबसे पहले अपने कॉलेज का कट ऑफ बताऊंगी, बाकी स्टेट वाइज कट ऑफ भी बताते रहूंगी। तो आज का टॉपिक है IIMS BHU का नीट 2023 का कट ऑफ क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कितने राउंड ऑफ काउंसलिंग होंगे। तो 2 राउंड्स ऑफ काउंसलिंग होता है, जिसमें फर्स्ट राउंड में आपको अपग्रेड का ऑप्शन दिया जाता है और आप सेकंड में मतलब फ्री एग्जिट कर सकते हो या फिर अपग्रेड कर सकते हो। 2 राउंड ऑफ काउंसलिंग के बाद होता है मॉप अप राउंड, एंड उसके बाद होता है अगर सीट बचती है कहीं पे तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड, और अगर फिर से सीट बच गई शायद लास्ट या लास्ट टू लास्ट ईयर हुआ था तो स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है। ठीक है, तो मेनली 2 राउंड ऑफ काउंसलिंग है। तो मैंने अभी आपको ऑल 4 राउंड ऑफ काउंसलिंग के कट ऑफ बताने जा रही हूँ। तो देखो ध्यान से, राउंड 1 में अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो रैंक था वो 858 रैंक था कट ऑफ, एंड द मार्क्स वॉज 690 मार्क्स। ठीक है, एंड ये पहले मैं अनरिजर्व के बारे में ही सारा बता देती हूँ। तो फर्स्ट राउंड में 858 रैंक यानी 690 मार्क्स, सेकंड राउंड में 919 रैंक 688 मार्क्स, एंड थर्ड राउंड में जो कि किसी ने अपग्रेड कर लिया होगा, जनरली थर्ड राउंड में MBBS की सीट बचती नहीं है, पर थर्ड राउंड में 1084 रैंक यानी 685 मार्क्स के बच्चे को BHU में MBBS मिला। ये बच्चा कौन था? ये मेरा जूनियर था जिसका मैंने इंटरव्यू लिया था, उसकी वीडियो मेरे चैनल पे है, आप प्लीज़ जाके देख। उसने अपने घर से ऑनलाइन स्टडी किया था, ऑफलाइन कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं किया था। तो जो उसका स्ट्रैटेजी था पढ़ने का, एक बार जाके उसकी वीडियो देखो, लास्ट 2 मंथ स्ट्रैटेजी मैंने पूछा था तो उसने बताया था, पर ओवरऑल तुम सुनना उसकी बातें। ठीक है, तो अब बात करते हैं OBC कैटेगरी में राउंड 1 का कट ऑफ वॉज 665 रैंक या फिर 680 मार्क्स। ठीक है, एंड राउंड 2 में 818 रैंक या 677 मार्क्स। राउंड 3 में कोई सीट नहीं बची थी, राउंड 4 में कोई सीट नहीं बची थी। ठीक है, कमिंग टू EWS कैटेगरी, तो राउंड 1 में EWS कैटेगरी का कट ऑफ था 1712 रैंक या फिर 680 मार्क्स ओनली, सिमिलर एज OBC। इन राउंड 2 EWS कैटेगरी का जो कट ऑफ था वो था 1916 मार्क्स या फिर 677 मार्क्स, 1916 रैंक 677 मार्क्स। ठीक है, राउंड 3 में कोई सीट नहीं, राउंड 4 में कोई सीट नहीं, जनरली नहीं बचती है सीट पहली, क्योंकि किसी जिसको भी अलॉट होता है वो छोड़ के जाता नहीं है। ठीक है, नाउ कमिंग टू SC कैटेगरी, तो SC कैटेगरी में राउंड 1 का कट ऑफ वॉज अराउंड 15K एंड द मार्क्स वॉज 625, एंड राउंड टू में भी रैंक था 16K लेकिन मार्क्स 625 ही था, मतलब ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। राउंड 3 में SC कैटेगरी में सीट रह गई थी या किसी ने ड्रॉप किया होगा, किसी को अपग्रेड हुआ होगा स्टेट कॉलेज के थ्रू। तो राउंड 3 एंड राउंड 4 में आप देखो 18K एंड 62K रिस्पेक्टिव रैंक है, नंबर है 620 एंड 551। तो ये जो नंबर है ना 551, इसको कट ऑफ कभी मत समझना। ये क्या है कि लक बाई चांस है, किसी ने सीट छोड़ी होगी, कोई उस 62K रैंक का बंदा आ गया होगा, उसको मिल गया होगा, मगर जनरली ऐसा नहीं होता है। जो राउंड 1 और राउंड 2 का कट ऑफ है उसी को मानना चाहिए, और ये हर साल का ट्रेंड होता जा रहा है कि कट ऑफ इंक्रीज हो रहा है, तो यही मानो, उससे कम का चांस नहीं है। हाँ, अगर आपका लक अच्छा है तो मे बी हो भी सकता है। ठीक है, नाउ कमिंग टू SC कैटेगरी के बारे में बात करते हैं, सॉरी ST कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। तो ST कैटेगरी में राउंड 1 का कट ऑफ था अराउंड 24K, मार्क्स था 608, राउंड 2 में कट ऑफ वॉज 28K एंड मार्क्स वॉज 601, राउंड 3 में 39K एंड द मार्क्स वॉज 583। ठीक है, तो ये सारे कैटेगरी वाइज आपके मैंने रैंक एंड मार्क्स दे दिए हैं 2023 के। तो इस हिसाब से 2024 के एक्सपेक्टेड रैंक तो नहीं, लेकिन हाँ एक्सपेक्टेड मार्क्स के हिसाब से आप एक आइडिया लगा सकते हो कि क्या आपको IIMS BHU में एडमिशन मिल सकता है कि नहीं। ठीक है, इसके अलावा IIMS BHU के बारे में मैं कुछ और बातें बताना चाहूँगी जो आपको जानना चाहिए। लेट मी टेल यू फर्स्ट, सबसे पहले नंबर ऑफ सीट्स कितनी है MBBS में। नंबर ऑफ सीट्स इज 100, टोटल 100 सीट है MBBS के लिए, एंड नीट 2024 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना होगा तो ये आप देख लो। ये जो 2023 का ट्रेंड है उसी हिसाब से 24 में भी होगा, 4-5 नंबर आगे पीछे कर सकते हो। कॉलेज फ़ी कितनी है, जब आप IIMS BHU में MBBS में एडमिशन लेते हो तो आपको अराउंड 30K पर ईयर फ़ी देनी होती है, जिसमें हॉस्टल फ़ी इंक्लूडेड है। मेस के चार्जेस अलग है, मेस के चार्जेस अराउंड 4K पर मंथ है। एंड नाउ कमिंग टू बॉन्ड स्टेटस, ठीक है, तो IIMS BHU में रूरल सर्विस बॉन्ड तो नहीं है, 2 साल का रूरल सर्विस बॉन्ड UP में या अदर किसी स्टेट में होता है कि MBBS के बाद आपको किसी गांव में जाके सर्व करना है, लेकिन यहाँ पे रूरल सर्विस बॉन्ड नहीं है। लेकिन अगर आपने अपने एडमिशन लिए हुए कोर्स को कोर्स कंप्लीट करने से पहले कभी भी छोड़ दिया, लाइक आप MBBS फर्स्ट ईयर कर रहे हो, नेक्स्ट ईयर आपने नीट दे दिया, आपको एम्स दिल्ली मिल गया और आपने छोड़ दिया, ठीक है, इस कंडीशन में आपको जो पैसे पे करने होंगे वो 3 लाख करने होंगे। जनरली कोई नहीं छोड़ता MBBS लेके, हाँ, लेकिन मेरा एक जूनियर था
जिसने पहले MBBS में एडमिशन लिया, एक साल उसने फिर से नीट दिया और उसका इससे ज़्यादा या डिजायर्ड कॉलेज में, दिल्ली में किसी कॉलेज में एडमिशन मिला तो उसने छोड़ दिया, तो 3 लाख रुपये देने पड़ते हैं। IMS के किसी भी कोर्स को छोड़ने के लिए 3 लाख रुपये देने पड़ते हैं। हाँ, ये अनरिजर्व या OBC कैटेगरी के लिए है। फॉर SC एंड ST कैंडिडेट 75K देना पड़ता है। ठीक है, नाउ कमिंग टू क्लिनिकल एक्सपोजर एंड पोस्टिंग। तो IMS BHU में बहुत सारे केसेस आते हैं, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस भी आपको देखने को मिल जाता है। क्लिनिकल एक्सपोजर आपका सेकेंड ईयर से स्टार्ट हो जाता है एंड आपका फाइनल ईयर तक चलता रहता है, आपकी पोस्टिंग होती रहती है। उसमें बहुत सारी जो भी केसेस आप बुक में पढ़ते हो वो आपको सामने सामने देखने को मिल जाते हैं। तो क्लिनिकल एक्सपोजर इज वेरी गुड। नाउ कमिंग टू हॉस्टल। तो हॉस्टल आपको फर्स्ट ईयर से ही अलॉट हो जाएगा। मैं बोर्ड देके आई हूँ तो मैं ये प्लॉट कर रही हूँ। हाँ, तो हॉस्टल आपको फर्स्ट ईयर से ही अलॉट हो जाएगा। हॉस्टल के कोई अलग से चार्जेस नहीं है एंड हॉस्टल की फ़ी भी कुछ अलग से नहीं देनी है। वो जो आपने एडमिशन के टाइम दिया था वही आपकी हॉस्टल फ़ी है। फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए अलग हॉस्टल होते हैं, जस्ट टू अवॉइड जो भी सो कॉल्ड रैगिंग है उससे बचाने के लिए फर्स्ट ईयर के बच्चों के हॉस्टल अलग होते हैं। मतलब फर्स्ट ईयर बॉयज़ हॉस्टल अलग है अदर बॉयज़ हॉस्टल से, फर्स्ट ईयर गर्ल्स हॉस्टल अलग है अदर गर्ल्स हॉस्टल से। ठीक है, नाउ PG इंटरनल कोटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए IMS इतना ज़्यादा सबके लिए फेवरेट हो गया है ना, कि ये PG में सबको इंटरनल कोटा देता है। भाई 50% रिजर्वेशन है इंटरनल स्टूडेंट के लिए। आप यहाँ के MBBS स्टूडेंट हो तो PG में आपको सीधे सीधे आपकी सीट फिक्स है, तो हुई ना अच्छी बात। UG में एडमिशन लो, PG भी सिक्योर है। ठीक है, कमिंग टू इंटर्नशिप स्टाइपेंड। तो अभी के सिनेरियो में हमारे सीन अभी, नाउ कमिंग टू स्टाइपेंड, तो अभी मुझे तो मिली नहीं है, मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट हो गई है पर स्टाइपेंड नहीं मिली है। लेकिन हाँ, हमारे सीनियर्स के अकॉर्डिंग, मतलब जब सीनियर्स को मिली थी तो 26K पर मंथ स्टाइपेंड मिलता था हमारे सीनियर्स को, जो कि एक अच्छा अमाउंट है। कई सारे स्टेट कॉलेजेस में बहुत कम मिलता है एंड हाँ, एम्स एंड कहीं ज़्यादा भी मिलता है, 30 एंड 32K भी मिलता है, पर यहाँ पे ठीक ठाक है, कम नहीं कह सकते। कमिंग टू PG स्टाइपेंड, तो PG स्टाइपेंड भी यहाँ पे बहुत अच्छा खासा है। फर्स्ट ईयर में लाइक 80K पर मंथ, सेकेंड ईयर में 90K पर मंथ एंड थर्ड ईयर तक जाते जाते 95K या 1 लाख पर मंथ तक हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट नीट 2023 कट ऑफ ऑफ IMS BHU। इसी के अकॉर्डिंग 2024 के बारे में सोच लेना, कितना रैंक है, कितना मार्क्स है, तो कितना रैंक आ सकता है और ये कॉलेज मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। इसके बारे में अदर डिटेल्स भी मैंने दे दी। बॉन्ड के बारे में मुझे बताना था, लाइक कुछ लोग होते हैं जिनको एम्स ही जाना होता है पर वो BHU ले लेते हैं और फिर एम्स जाने के लिए उनको 3 लाख रुपये देने पड़ेंगे, ये बात याद रखना। बाकी सारी चीज़ें अच्छी है, स्टाइपेंड भी बता दिया मैंने, और कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, बाय।